अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं इफ्तार बना रही थी तो मैं सोची आप लोग को भी ये सब चीज़ की रेसिपी दे दूँ। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू कटलेट्स। मैं बनाऊंगी आलू की भजिया। तो मैं सोची कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये तीनों चीज़, इस चीज़ की रेसिपी आप लोग को देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू जो थे उसको बॉईल कर लिया है अच्छे से, और उसको हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर में भी डाल के उसको ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ मैं मैशर से मैश कर ले रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। हाँ, स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला। चाट मसाला की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, और मैं थोड़ा खट्टा मैं चाह रही थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा जलजीरा पाउडर भी डाला। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाली। थोड़ा से इसमें हमने रोस्टेड ज़ीरा भी डाला हुआ है, कुटा हुआ। आप अपने पसंद से जो भी मसाले हैं वो कम ज़्यादा या स्किप भी, रोस्टेड ज़ीरा वगैरह स्किप भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कोथमीर यानी धनिया। धनिया को आप बारीक चॉप करके उसको डाल दीजिए। और हम यहाँ पे यानी कोथमीर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। आप मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, जैसे तीखा आप नहीं बनाना चाहते तो आप चिली फ्लेक्स या फिर हरी मिर्ची, इसमें से कोई भी चिली जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जैसे हमने जो स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से सब हमारे पोटैटो में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड। ब्रेड को आप चारों किनारा उसका जो ब्राउन पार्ट होता है आप उसको पानी में डिप करके हल्का सा नरम कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपकी जो ब्रेड रहे वो ताज़ी रहे तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। उसके बाद हम बीच में अपना स्टफ डालेंगे, अपना बैटर उसको डालेंगे। आप अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमको इसको पूरा बंद कर देना है, बॉल की तरह कर देना है। ये देखिए कैसा मैंने बस बीच में डाल के उसको मैंने दबा के उसको कर दिया। ये जैसे एक बॉल की तरह मैंने बना लिया। आप अपने पसंद से लंबा या गोला कैसा भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है सूजी। सूजी में हम उसको कोट कर देंगे, अपने बॉल को अच्छे से सूजी को कोट करके उसको दबा के फिर हमको ऐसा कर देना है कि जो एक्स्ट्रा सूजी है वो निकल जाए। मैं वापस से एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चारों साइड का जो है उसको पानी में डाल के हल्का गीला कर लिया। उसके बाद बीच में भी हल्का सा पानी लगा के उसको गीला कर लिया। उसके बाद हम अपना बैटर इसमें डालेंगे और बस उसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। ये देखिए मेरा कैमरा ज़रा से हिल गया था, मेरे बच्चे ने कब्र में हिला दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा तो ऐसा थोड़ा सा आया था। और ये जो प्लेट में मेरी सूजी गिरी हुई थी मैं सोची पहले उसको कोट कर लगा लूँ, फिर बस सूजी में आप इसको लपेट लीजिए। बस हमारा ये जो कटलेट्स है वो बन के रेडी हो गया है। मैं इसको अपना फटाफट से अपने सारे कटलेट्स तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये देखिए हमारे जो कटलेट्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। बस ये बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो अब ये मैंने पूरे बना के रख लिए, अब हमें इसको बस फ्राई करना है। तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया, मैंने शूट करना भूल गई, एक साथ मैंने पूरे नहीं डाले क्योंकि बहुत ज़्यादा कढ़ाई वगैरह में डाल दो तो फ्राई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 डाले हैं पहले, और बहुत ध्यान से डाली क्योंकि ये बड़े बॉल होते हैं ना, तो तेल में डालो ना तो छींटे आते हैं, इस वजह से थोड़ा केयरफुली डालिएगा। उसको लाइट अप चलाते हुए, अलटते पलटते हुए आप ब्राउन कर लीजिएगा। ये देखिए ये ऑलमोस्ट जो हमारे हैं ब्रेड के कटलेट्स आलू के वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको अपना निकाल लूँगी अच्छे से। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे और टेस्टी लग है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे, ज़्यादा तो बनाए नहीं थे, थोड़े ही बनाए थे क्योंकि थोड़े ही लोग हैं, इतने में भी बच जाता है।
तो हमारे ब्रेड कटलेट्स बनके, आलू के कटलेट्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही इजी भी है, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना आलू की भजिया बनाने जा रही थी, तो मैं सोची मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मसाले रखे हुए हैं, 4 से 5 मैंने लिया हुआ है मिर्ची और थोड़े से लहसुन लिए हुए हैं, 8 से 10 कली लहसुन की, 1 टेबल स्पून भर के जीरा लिया हुआ है। इसको मैंने, ये देखिए मैंने इसको कैसा पेस्ट बना लिया है, पानी डाल के आप कैसा भी इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। इसमें ऐड करेंगे हल्दी, अधूरी ही लगती है इस वजह से हल्दी तो हमको डालना ही चाहिए। और उसके बाद हम डालेंगे नमक। ये सिंपल सब कुछ, जैसा आप सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, तो मैं सोची मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको शायद शेयर करूँ। हो सकता हो आप लोग ट्राई करें, आप लोग को पसंद आए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि लहसुन डाल के भजिया बनाओ तो बहुत ही टेस्टी और यम बन के तैयार होती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन डाल के उसको बस अब हमको अपना एक घोल रेडी कर लेना है भजिया के लिए। सिंपल, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, मीडियम भजिया जैसे कि उसमें हमारे आलू। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो अपने आलू को स्लाइस करके रखा हुआ था उसको डाल के रख दी हूँ। बस अब हम इसको एक उठाएंगे एक एक और अपने तेल में फ्राई करते जाएंगे। तो हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, अब हमें इसको सिंपली फ्राई करना है। ये देखिए, आप अगर हाथ से नहीं डालना चाहते तो आप चम्मच से भी उठा के ऐसे एक एक डाल सकते हैं बहुत ही एहतियात से, क्योंकि अक्सर बहुत लोग नई नई कुकिंग करते हैं जब, तो वो जब भजे डालते, अक्सर मेरे साथ भी होता था कि जब भजे डालूँ ना तो वो लग जाता था हाथ में, तेल लग जाता था, चटके लग जाता। अगर आपको डर लगता है तो आप चम्मच से की मदद से भी डाल सकते हैं। ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए ही ऐसा दिखा रही थी कि आप ऐसा भी डाल सकते हैं भजिया, ज़रूरी नहीं है आप हाथ से ही डालें। बहुत लोगों को डर लगता है कुकिंग के लिए, इस वजह से मैं ये चीज़ बता रही हूँ, आप हाथ से डाल सकते हैं तो आप हाथ से डालिए। वैसे हाथ से डालेंगे तो वो क्या होता है, फटीफट से हमारी जो भजिया है, क्योंकि हमको वो आदत होती है तो हम जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सब चम्मच के मदद से डाल रही हूँ अच्छी, और फिर हम इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी है ये भजिया रेसिपी, और बहुत ही, अगर आप मेरे तरह बनाएंगे तो उम्मीद करती हूँ आपके घर वाले और आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप प्लीज़ एक बार इस रमजान ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये भजिया रेसिपी। ऐसे लहसुन मिर्ची और ज़ीरा डाल के ग्राइंड करके उसको आप पीस के तब उसमें पेस्ट बना के वैसा बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ओके गाइस, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।